Good morning, students. Hope you all are doing well. Today, we will do exercises from chapter 11, the present continuous tense. As you know, that we have completed this chapter, the explanation part is done. Today, we will do exercises. I hope you all have done your homework. So, now let's check your answers. So, first, we will begin with exercise A, which is given on page number 60. In this exercise, you have to fill in the blanks with the present continuous form of the verbs given in the bracket. So in the bracket, few verbs are given, you have to form them in present continuous tense and then you have to use them in a sentence. So in the chapter, we have learned that in present continuous tense, we used to record those actions which are going on at the present. Present continuous tense mayhem. ऐसे एक्शंस को रिकॉर्ड करते थे ऐसे एक्शंस को लिखते थे जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है एट प्रेजेंट में आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग मेरी क्लास में मेरा वीडियो देख रहे हो सो एट प्रेजेंट वॉट यू आर डूइंग यू आर वॉचिंग योर वीडियो ठीक है मैं अभी प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ आई एम टीचिंग यू मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो एट प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं जो एक्शंस हो रहे हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एंड हम ऐसे भी एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आपके पास्ट में स्टार्ट हो गया है एंड देन स्टिल अभी भी उनका इम्पैक्ट अभी आपके प्रेजेंट में है दैट मींस वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट उसका अभी भी असर आपके प्रेजेंट पे है दैट मींस इफ़ आई से दे आर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर मीन्स वो लोग स्टडी कर रहे हैं डॉक्टर बनने के दैट मीन्स वो लोग अपनी स्टडी करना पहले से स्टार्ट कर दिए हैं बट अभी भी उनका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है सो so, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैं ऐसे एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं या फिर जो पहले आपका पास में स्टार्ट हो गया बट उसका असर अभी भी आपके प्रेजेंट पे है एंड ऐसे भी एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आपके प्लान एक्शन हो जो आपने एक्शंस प्लान किए हैं एंड वो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं लाइक इफ आई से आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट दैट मीन्स मैं आज पार्टी में जाऊँगी रात को सो so, ये क्या है ये आपकी एक एक्शन है जो आपने प्लान किया है जो अभी आपके फ्यूचर में होने वाला है गोइंग सो नाउ लेट्स सी द दाइज वी डैश टू मुंबई टमोारो सो हियर इन द ब्रैकेट इट इज रिटर्न गो सो हियर आर गोइंग विल कम बिकॉज वी वी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं आर जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लूरल का मतलब होता है जब हम बहुत पर्सनस के बारे में बात करें बहुत प्लेसेस के बारे में बात करें या बहुत थिंग्स के बारे में बात करें सो so वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है अगर हम वन पर्सन के बारे में बात करें वन प्लेस के बारे में बात करें या फिर वन थिंग के बारे में बात करें सो दे ऑल कम्स अंडर सिंगुलर ओके सो हियर वी वी यहाँ पे है सो so वी क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर ऐड करेंगे आर एक आपका हेल्पिंग वर्ब है एंड देन गोइंग गोइंग विल बी देयर बिकॉज गो आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का इनको आप आई एन टी ऐड करोगे देन इट विल बिकम गोइंग बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं देन हमने यहाँ गोइंग लिखा टू मुंबई टमोरो राइट सेंटेंस है नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस ही इज लर्निंग पियानो हे एस लर्निंग पियानो ही आपका सिंगलर सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस यूज़ करते हैं एंड प्लूर सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम तीन तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं जो कि एम है एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं एज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं एंड आर हम प्लूरा सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है नौ सीधा नेक्स्ट पॉइंट आर थर्ड पॉइंट ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग सो यहाँ ढेर सारे फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है सो आर आर कमिंग वेलकम बिकॉज इट इज प्लूरा सब्जेक्ट हेयर नाउ लेट सी द फोर्थ पॉइंट आई एम प्लेइंग चेस विथ माई फ्रेंड सो हियर आई एम होगा बिकॉज आई के साथ एम यूज करते हैं फिफ्थ आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन आई एम हेल्पिंग हेल्प में आई एन जी एड करना है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है The train is leaving in 10 minutes. So, here you are talking about a single train, a singular yahan pe subject head. So, the train is leaving in 10 minutes. We are drawing some pictures of the river. The boys and girls are dancing in the hall. Now, exercise B. In this, you have to write the present participle form of the following verbs. That means, गिवन आर द वर्ब्स वर्ब्स यहाँ पर दिए गए हैं यू हैव टू फॉर्म इन प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसे चेंज करना है कम कम के साथ आपको आई एन जी ऐड करना है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब आप आई एन जी कैसे ऐड करते हैं आई एन जी का मतलब ये नहीं है कि बस कम है देन आप ई आई एन जी ऐड करेंगे कमिंग जो राइट right स्पेलिंग है वो आप यूज करेंगे कमिंग टेक टेक का टेकिंग स्टार्ट स्टार्टिंग ब्रिंग ब्रिंगिंग लर्न लर्निंग ईट ईटिंग गो गोइंग प्ले प्लेइंग राइट राइटिंग रश रशिंग काउंटिंग काउंट काउंटिंग स्विम स्विमिंग हैपन हैपनिंग कैच कैचिंग राइट राइटिंग ड्रॉप ड्रॉपिंग सो यहाँ पर ड्रॉप में हम डबल पी यूज करेंगे बिकॉज यूर करेक्ट स्पेलिंग है ड्रॉपिंग जम्प डिंग क्लाइम क्लाइंबिंग सो लाइक दिस यू विल फॉर्म इन प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउ इन एक्सरसाइज सी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको प्रेजेंट कंटिनस टेंस में बनाना है राम गोज टू स्कूल सो द सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज विद राम सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज़ इज इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा राम इज गोइंग टू स्कूल शीला प्लेस कैरम शीला इस इज कैरम ओके हमें प्रेजेंट कंटिनस में बनाना है कि एक्शन अभी हो रहा है वी गो ऑन अ पिकनिक टमोरो वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमरो दैट मीन्स ये आपका प्लान एक्शन है जो आपके फ्यूचर में होने वाला है वी आर ओके ही ईट्स फूड ही इज ईटिंग फूड शी सिंग्स सॉन्ग्स शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स जैकी एंड जूली स्टडी टुगेदर जैकी एंड जूली आर स्टडिंग टूगेदर बिकॉज यहाँ पे दो लोगों के बारे okay? में बात हो रही है आर स्टडिंग ओके मोना एंड हर फ्रेंड्स लिसन टू द रेडियो मोना एंड हर फ्रेंड्स आर लिसनिंग टू द रेडियो बिकॉज यहाँ मोना के बारे में बात हो रही है एंड उनके फ्रेंड्स के बारे में भी बात हो रही है सो so, यहाँ पे आर लिसनिंग टू तो द रेडियो नाउ इन एक्सरसाइज डी यू हैव टू कम्प्लीट देंटेंसेज विथ इस एम और आर मीन्स आपको इज यूज़ करना है एम यूज़ करना है आर यूज़ करना है इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम हम यूज़ करते हैं आई के साथ आर यूज़ करते हैं प्लूर सब्जेक्ट के साथ नाउ फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू प्लेन शी इज़ ड्रेसिंग हर लिटिल सिस्टर वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ यू मदर इज कुकिंग द बर्ड्स आर सिंगिंग आई एम डूइंग माई होमवर्क द टीचर इज कोल्डिंग द स्टूडेंट्स मोहित इज लर्निंग फ्रेंच माला इज लर्निंग हाउ टू कु नाउ इन एक्सरसाइज ई री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग दम दैट मीन्स यहाँ पे सेंटेंसेज दिए गए हैं इनमें कुछ एरर है सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन यू हैव टू री राइट मीन्स आपको जो करेक्शंस करके यहाँ पे सही सेंटेंस लिखने हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स वो आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस रिया आर स्लीपिंग इन हर बेडरूम सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ सिर्फ रिया के बारे में बात हो रही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है सो आर विल नॉट कम हियर रिया इज स्लीपिंग इन हर बेडरूम प्रभु एंड रेशू इज़ प्लेइंग टूगेदर सो दस सेंटेंस इज रॉन्ग इस नहीं आएगा यहाँ पे आर आएगा प्रभु एंड ऋषु आर प्लेइंग टुगेदर मनु एंड प्रभा आर गोइंग होम मनु एंड प्रभा आर गोइंग होम सॉरी यहाँ एम लिखा है एम नहीं होगा आर होगा आर गोइंग बिकॉज दो लोगों के बारे में बात हो रही है दे इस फीडिंग द मंकीज दे इस नहीं होगा दे आर ओके दे आर फीडिंग द मंकीज बिकॉज यहाँ दे आपका प्लूरल है आई एम राइटिंग अ लेटर आई आर आर आपका गलत है यहाँ एम होगा आई एम राइटिंग अ लेटर वी इज सर्चिंग फॉर स्टोरी बुक्स वी के साथ हम आर यूज करेंगे बिकॉज प्लुरल सब्जेक्ट है वी आर सर्चिंग फॉर स्टोरी बुक्स इज रॉन्ग है नाउ कमिंग टू

सीज़ नो बिगनिंग सो जो वर्क है यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि कब वो काम स्टार्ट हुआ है बस आप ये देखते हैं कि ये जो वर्क है आपका अभी प्रेजेंट पे चल रहा है सो इट इज़ ट्रूल्पिंग वर्ब यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ एस एम एन आर ये इट इज़ ट्रू जो हेल्पिंग वर्ब हैं जो ऑक्सोलरी वर्ब हैं वो हम यूज़ करते हैं इज एम एन आर ट्रू वी यूज़

Exercise from chapter 11. All the exercises you have to write in your grammar book and you have to also write in your grammar copy and learn all the exercises. Now, I will end my class. If you have any doubts, you can ask me in a comment section below the video. Thank you, class. Be safe and stay at your home.